Hi guys, welcome back to another video. So, यार इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला कि आप कैसे बना सकते हो एक ऑटोमेटिक वीट फार्म, जो कि आप मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी ऑटोमेटिक क्रॉप फार्म की, उसमें आप बहुत पूछ रहे थे कि वीट यूज कर सकते हैं या नहीं। तो उसमें आप वीट मतलब सीड्स यूज कर सकते हो बट आपको ब्रेड मिलता था, बट इसमें अभी आपको सीड्स क्या भाई वीट ही मिलने वाले है। तो ये फार्म बहुत सही वर्क करेगा अगर आपको ब्रीडिंग वगैरह करवानी है अपने काउ शीप इनकी, तो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और ये फार्म बिल्कुल आपके सारे बेडरॉक वर्जन में वर्क करेगा, जैसे हो गया PS4, विंडोज 10 और हमारा पॉकेट एडिशन, तो सारे बेडरॉक एडिशन में वर्क करेगा। और हाँ, इस फार्म को बनाने के लिए आपको 10 स्टैक सीड तो कम से कम चाहिए होगी, तो उसका इंतजाम करके रखना, और विलेजर एक ही चाहिए होगा। और हाँ, इस फार्म को आपको विलेज, किसी भी विलेज या फिर ऐसा कोई फार्म जिसमें आप अपने विलेजर्स यूज किए हैं या फिर जिसमें वर्क स्टेशन बेड्स हो, उससे आपको बहुत ज्यादा मतलब 200 ब्लॉक से दूर बनाना ही होगा। अगर आपके बेस पे भी बहुत ज्यादा वर्क स्टेशन है, कम से कम 200 ब्लॉक दूर आप इस फार्म को बनाना ही चाहिए। तो और हाँ, मैं जब बना रहा हूँ ना, इससे आप बहुत ज्यादा मतलब बड़ा फार्म बना सकते हो, बट आपको ज्यादा विलेजर चाहिए, ज्यादा सीड चाहिए, तो इसका ध्यान रखना। तो चलिए यार, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पर्सन में आ जाता हूँ। तो आपको इस फार्म को बनाने के लिए थोड़ी एडवांस चीजें चाहिए, जैसे रेडस्टोन रिपीटर और कंपैरेटर, रेडस्टोन ब्लॉक, पावर ड्रिल रेल, तो इसका भी इंतजाम करके लेना। और सबसे पहले आपको एक 9x9 का एरिया डिक करना होगा, 1 ब्लॉक नीचे तक इस तरीके से। और इसमें आएंगे हमारे रेल और माइनकार्ट विथ हॉपर, जो कि हमारे सारे आइटम्स कलेक्ट करेंगे। तो आपको इसको जमीन के अंदर डिक करना होगा। तो इस तरीके से करने के बाद अभी आपको जो मिडल वाला ब्लॉक होगा ना, 5th ब्लॉक, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाले ब्लॉक है ना, इसको ऐसे लगा देना है। ये वाली जो लाइन है ना, इसको आपको डिक करना है इस तरीके से। और यहाँ पर आएंगे हमारे सारे रेडस्टोन ब्लॉक, और इस तरीके से लगा दो। और ये हमारे पावर ड्रिल को एक्टिवेट करेंगे, तो यही बेसिकली इनका काम है। तो सबसे पहले आपको ये कॉर्नर पहला ब्लॉक छोड़ के इसमें अभी रेल लगा देनी है, इस तरीके से पावर ड्रिल लगानी है। और यहाँ पर कॉर्नर्स पे आपको नॉर्मल रेल, क्योंकि पावर ड्रिल मुड़ती नहीं है, तो आपको नॉर्मल रेल ही लगानी होगी, तो इस तरीके से लगा दो। और यहाँ पर ये वाली रेल हटा देनी है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। और ये हो जाने के बाद अभी आप यहाँ पर रेल लगा सकते हो, भाई पावर ड्रिल लगा सकते हो इस तरीके से। और इस वाले को आपको पावर देना है, और आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, बटन, लीवर या रेडस्टोन टॉर्च, किस तरीके से। और इसको ऐसे कर देना है एंड तक, यहाँ तक कर देना है। तो ये मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको चाहिए एक चेस्ट और एक हॉपर, और आप चेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो और इस तरीके से डबल चेस्ट इसको कर सकते हो। और फिर इसको कनेक्ट करके आपको लगाना है एक हॉपर, भाई क्राउच कर, तो इस तरीके से आपको ये हॉपर लगा देना है। और इस पर आएगी पावर ड्रिल, अरे यार क्राउच क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो अभी तो ये लग जाने के बाद अभी आपको थोड़ा एरिया आपको डिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़े रेस्टोरेंट कंट्रेप्शन आएंगे। तो इसको ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक रिपीटर कंपैरेटर लगा देना है, इस तरफ फेसिंग करके ऐसे लगा देना है। और फिर यहाँ पर आएगा हमारा एक ब्लॉक, और इसके ऊपर एक रेडस्टोन टॉर्च, और फिर यहाँ पर आएगा एक रिपीटर, और फिर यहाँ पर एक ब्लॉक, और इसको ऑन नहीं करना है, बस आपको इस तरीके से, ओ भाई लग जा, हाँ तो इस तरीके से ये ब्लॉक लगा देना है, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देना है इस तरीके से। तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाए, और लास्ट में आपको ये वाले ब्लॉक को रिप्लेस कर देना है नॉर्मल रेल से, इस तरीके से। तो अभी आपकी माइनकार्ट विथ हॉपर यहाँ पर आएगी, और जब भी वो कलेक्ट करेगा कोई आइटम, तो जब तक वो आइटम इस चेस्ट में पूरे आने जाते, तब तक वो माइनकार्ट वहीं पर रुकी रहेगी। तो बिल्कुल ये मतलब इफिशियंटली काम करता रहेगा। तो गाइस, दिस इज मी व्हाइल एडिटिंग। सो मैंने कुछ भी कर दिए माइनकार्ट अनलोडर में। तो बेसिकली क्या करना है कि वो जो हॉपर है ना, उसके पीछे एक सॉलिड ब्लॉक लगा देना है, उसके बाद वो फिर कंपैरेटर लगा के, ब्लॉक लगा के, रेस्टोन लगा के, और उस वाले ब्लॉक पे रिपीटर लगाना है। तो बेसिकली आपको मतलब जो कंट्रप्शन है ना, उसको थोड़ा पीछे करना है, और उसके बीच में एक ब्लॉक डाल देना है, जिसके बारे में मैंने लास्ट में बताया है। तो वीडियो को एंड तक देखो यार। सो यहाँ पर एक ब्लॉक अपने किसी सॉलिड ब्लॉक से रिप्लेस कर लो, यहाँ पर एक लीवर लगा दो और इस तरीके से ऑन कर दो। तो जब भी आप इस पर माइनकार्ट विथ हॉपर लगाओगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। पर अभी माइनकार्ट विथ हॉपर नहीं लगानी है, नहीं तो अगर आप लगाते हो तो फार्म ब्रेक हो जाएगा बनाने से पहले। तो सबको बनाने के बाद ही माइनकार्ट विथ हॉपर लगानी है। तो अभी क्या करना है कि आपको लेने हैं डर्ट, और डर्ट आपको इस तरीके से 9x9 का पूरा एरिया डर्ट की मदद से कवर कर देना है, जो कि मैं कर लेता हूँ अभी फटाफट से। तो इतना होने के बाद अभी आपको मिडल वाला ब्लॉक ढूंढना है, जिस पर हमने रेडस्टोन लगाया था। तो ये है बिल्कुल, यही पर हमें एक वाटर बकेट डालनी है। तो सबसे पहले तो आपको यार एक स्टेयर या फिर स्लैब, आप जो चाहे वो ले सकते हो। तो मैं तो स्टेयर लूंगा, क्योंकि वो सारा एरिया अच्छे से कवर करता है, तो मैं स्टेयर ले रहा हूँ। और फिर आपको यहाँ पर एक स्टेयर लगा देना है इस तरीके से, और इसके ऊपर आपको वाटर बकेट डाल देनी है। सो ये हमारे पूरे क्रॉप्स को वाटर मतलब पानी दे देगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी आपको एक हो लेनी है, और सारा एरिया आपको हो के मदद से टिल कर देना है इस तरीके से। तो इसको फटाफट से कर देता हूँ मैं भी। तो जब तक ये पूरे क्रॉप्स वाटर्ड हो जाएंगे, तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्लोस्टोन लेना है,
या फिर आप कोई भी आप सॉलिड ब्लॉक लगा के उसके अराउंड टॉर्चेस लगा सकते हो, बट ग्लोस्टोन अच्छा रहेगा क्योंकि अच्छा दिखता है यार, तो ग्लोस्टोन ले लेना। उससे क्या होगा कि कोई मॉब स्पॉन नहीं होगा इसमें, और क्रॉप्स को रात में भी उजाला मिलता रहेगा, तो ये खासियत है ग्लोस्टोन की, तो उसको लगा लेना। और फिर इस फार्म को कवर कर देना है आपको किसी भी सॉलिड ब्लॉक से, और आप ये लीवर चाहो तो यहाँ पर भी लगा सकते हो, इससे भी एक्टिवेट हो जाएगी, तो इसको बस एक बार क्लिक कर देना और इस फार्म को कवर कर देना है किसी सॉलिड ब्लॉक से, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर ग्लास लगा सकते हो, और आपको यहाँ पर एक ब्लॉक खोदना होगा ताकि आपको चेस की सारी चीजें मिल सके। तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको दो हाइट के ये बॉर्डर बनानी है ग्लास की मदद से, और इसको ग्लास से ही बनाना, नहीं तो दूसरे मॉब स्पॉन होंगे उसके ऊपर, और ग्लास से अच्छा होता अच्छा लगता है और दिखता है कि अंदर से काम कर रहा है कि नहीं सब कुछ, तो ग्लास लगाना यार। तो इसको लगा देते हैं फटाफट से। तो इतना हो जाने के बाद अभी आपको लेने हैं सीड्स, और सीड्स को इस एरिया में प्लांट कर देना है, तो मैं अभी इसको प्लांट कर देता हूँ सारे सीड्स को। तो सीड्स प्लांट हो चुके हैं, तो अभी आपको चाहिए कंपोस्टर बेड और विलेजर। आप विलेजर कैसे भी ला सकते हो, पर सबसे पहले तो यहाँ पर ग्लोस्टोन के ऊपर एक कंपोस्टर लगा दो, और विलेजर आप किसी भी तरीके से ला सकते हो, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको बस एक विलेजर यहाँ पर रख दे रहा है, अब जैसे जाओ वैसे ला सकते हो, और यहाँ पर एक कंपोस्टर है, और जब भी आप यहाँ पर बेड लगाओगे तो इस तरीके से, तो ये लिंक करेगा बेड से और फिर कंपोस्टर से, और फिर लिंक होने के बाद अभी इसको आपको 9 स्टैक सीड्स देने होंगे ताकि इसकी इन्वेंट्री पूरी फुल हो जाए, और फिर ये वीट कलेक्ट ना कर पाए, बस सीड से कलेक्ट कर पाएगा और फिर उसको लगाएगा, और वीट जो है वो नीचे गिरेंगे और हमारे माइनक्राफ्ट भी थॉपर कलेक्ट कर देंगे। तो यही है बेसिकली, तो इसको मैं अभी 9 स्टैक सीड दे देता हूँ। तो ये होते हैं पूरे 9 स्टैक सीड, तो इसको अभी आपको ये सारे सीड्स दे देने हैं ताकि इसकी इन्वेंट्री फुल हो जाए और फिर ये वीट ना कलेक्ट कर सके। तो इस तरीके से भाई ड्रॉप कर सकते हो आप, और फिर ये सारे सीड्स कलेक्ट कर लेगा इस तरीके से, और एक और स्टैक सीड दे देना एक्स्ट्रा में, तो ये नीचे गिरे हुए रहेंगे बट मतलब ये बाद में कलेक्ट करेगा अगर माइनक्राफ्ट भी थॉपर कलेक्ट नहीं करती है। तो ये हो गया, और फिर अभी आपको इस सारे क्रॉप को बोन मिल करना होगा, तो बोन मिल मैं ले लेता हूँ, और भाई बोन मिल करना मस्त है, नहीं तो इसको स्टार्ट होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, तो भाई बोन मिल जरूर से कर देना, नहीं तो फार्म स्टार्ट नहीं होगा, वर्क करना फिर आप बोलोगे कमेंट में, इससे अच्छा है बोन मिल कर दो सारे क्रॉप को। तो मैं भी कर लेता हूँ, तो मैंने सारे क्रॉप्स बड़े कर दिए हैं, तो ये फिर एक दिन वर्क करने के बाद ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, तो देखते हैं कितनी देर में वर्क करता है। तो मैंने अभी रात करके दिन किया है, तो अभी देख सकते हैं आप ये वर्क करना मतलब क्रॉप तोड़ना शुरू कर दिया है इसने, और ये वीट को कलेक्ट नहीं करेगा, तो वीट कलेक्ट करने के लिए हमें बस एक माइनकार्ट विथ हॉपर चाहिए जो कि ये। सो बेसिकली मैंने हर बार की तरह इस बार भी एक उपसी की है, और अगर आप वीडियो अभी यहाँ तक देख रहे हो तो ये फार्म वर्क करेगा, मतलब वर्क तो ऐसे भी करेगा, बट अभी जो मैंने यहाँ पर कंट्रैप्शन में थोड़ी उपसी कर दी है, तो अभी आपको एक ब्लॉक यहाँ पर लगाना है और फिर यहाँ पर एक कंपैरेटर लगा देना है इस तरीके से, और ये लग गया कंपैरेटर, और यहाँ पर आएगा एक ब्लॉक, और यहाँ पर एक रेडस्टोन टॉर्च, और इसके ऊपर एक ब्लॉक इस तरीके से भाई लग जा हाँ। और इतना होने के बाद अभी आपको एक रिपीटर चाहिए जो कि मैंने फेंक दिया था शायद से, तो ये रहा रिपीटर, और फिर इसको लगा देना है इस तरीके से, और इसके ऊपर आएगा एक ब्लॉक, और इसको क्राउच करके प्लेस करना होगा लग जा हाँ। तो ये है बिल्कुल राइट, और अगर आपने मतलब पहले भी कोई मैंने गलत नहीं किया, मतलब वर्क तो करेगा फार्म बट अनलोडर ठीक से काम नहीं करेगा, तो देखते हैं अभी भाई जाना, और ये चली गई, और यहाँ पर एक पावर ड्रिल लगाना थी। सो बेसिकली हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम देखते हैं ये अनलोडर भी ठीक से काम करता है या नहीं, फार्म तो बिल्कुल वर्क कर रहा है एक नंबर, तो इसको भी देख लेते हैं। और वीडियो आप यहाँ तक देख रहे होते हैं, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और यहाँ पर देख सकते हैं ये अनलोड हो रहा है सब कुछ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वीट आ रहा है। तो इतना ही था इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे माइनक्राफ्ट की वीडियो के लिए, और हाँ इतना ही था वीडियो में, तो मैं मिलता हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।